हेलो एवरीवन, किशा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। चटनी बनाते वक्त यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप बिना प्रिजर्वेटिव के इसे पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। आम की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम, जिसे हम कैरी भी कहते हैं। जब भी आप चटनी बनाएं तो बड़े साइज़ के आम लें, छोटे नहीं, क्योंकि बड़े आम गुद्देदार होते हैं और रस वाले होते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप चटनी बनाएं बड़े साइज़ के आम लें। साथ में चाहिए चीनी, चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। चीनी और आम की रेशियो कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम आम को धो लेते हैं। अब किसी किचन टॉवल या कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद आमों को करीब 15 मिनट पंखे के नीचे सूखने दें, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब ये आमों को हम पील कर लेते हैं। मैंने सारे आमों को अच्छे से छील लिया है। अब हम इन आमों को कद्दूकस कर लेंगे। मैं आम को मोटे वाले साइज से कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो मीडियम साइज वाले साइड से भी कद्दूकस कर सकते हैं। मुझे लच्छे वाली चटनी पसंद है, इसलिए मैं इसे मोटे वाली साइड से कद्दूकस कर रही हूँ। हम इसे जब तक हमारी गुठली दिखाई नहीं देती तब तक कद्दूकस करेंगे। इसी से मैं बाकी के सारे आमों को भी कद्दूकस कर लूँगी। मैंने सारे आमों को कद्दूकस कर लिया है। मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए थे, जिसमें से छिलका और गुठली निकालने के बाद ये वेट में कम हो गए हैं। इनका गुद्दा करीब 800 ग्राम के रह गया है। अब हम चीनी या गुड़ को गुद्दे के हिसाब से डालेंगे, यानी कि 800 ग्राम चीनी या गुड़ लेंगे। आप चाहे तो आधी चीनी या आधा गुड़ भी ले सकते हैं। अब हम चटनी में डालने के लिए मसाले देख लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1/4 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून कलौंजी लेंगे। अब कलौंजी को छोड़कर बाकी सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैं मसालों को ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बढ़ जाता है। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करके आधा आधा पीस लेंगे, यानी कि इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। यदि आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आधा आधा पीसे हुए मसालों का टेस्ट बढ़िया आता है। अब एक कढ़ाई में कद्दूकस किए हुए आम डाल देंगे और आम के गुद्दे के वेट जितनी ही चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। अब बिना ढके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। आम और चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए चटनी को बिना ढके पकने दें, ताकि आम पक जाए और चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, चटनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। इस चटनी में नमक कम ही डलता है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी नहीं होती, लेकिन इसे चटनी का रंग बढ़िया आता है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन फोर टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे चटनी में बढ़िया खुशबू आती है। अब इसमें जो मसाला हमने अदरक पीसा था वो डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर पकने दें। कई लोग मुझे कहते हैं कि उनकी चटनी ठंडे होने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है, तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जब आप चटनी बना रहे हो और थोड़ी सी वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। यदि ठंडा होने के बाद इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहती है तो ठीक है,
यदि ये अभी भी लिक्विड है तो आप इसे स्लो फ्लेम पर एक से दो मिनट और पका लें। यदि आप चटनी को पहले ही गाढ़ा कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, तब इसका कुछ नहीं कर सकते। ये चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। जब भी आप चटनी को जार से निकालें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इसमें गीले हाथ या गीली चम्मच ना डालें और ना ही आटे वाले हाथ डालें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी चटनी बिना प्रिजर्वेटिव के पूरे साल स्टोर रह सकती है। हमारी चटनी तैयार है, आप इसे सुबह परांठे या पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं।